तो कैसे हो मेरे भाई लोग, फिलहाल अच्छे होंगे। तो फाइनली वीडियो में बैन होने का मेरे को कॉल आता है आज सुबह को। तो मैंने बोला वीडियो में बैन कैसे हो सकते है, मैं कल रात को 8:30 बजे मैं ऐप स्टोर से ही मैं डिलीट किया वीडियो में को। डिलीट करने के बाद उसको फिर से मैं इंस्टॉल किया तो कैसे बैन हो सकते है। तो आज सुबह जब मैं गेम खेलने के लिए ओपन किया था तो बोला कि नहीं आज गेम ही नहीं है। मैं सच में मैं ऐप स्टोर में गया, जाने के बाद मैं ऐप स्टोर में वीडियो में को चेक कर लिया। देखो आप लोग देख ही सकते हो कि वीडियो में नहीं है मिल रहा है। फिर मैं प्ले स्टोर में जाके देखा कि प्ले स्टोर में भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सबको यही आस्था देता कि भाई कोई ग्लिच व्लिच होगा गेम में, ऐसा होता है कभी कभार, तो कुछ फॉल्ट की वजह से टेक्निकल फॉल्ट इशू हो जाता है। लेकिन भाई दिले के मानता नहीं, सच में मैं जब चेक किया, चेक करने के बाद मेरे को ऐसा गलत लग रहा है कि क्या बताएं आपको। तो बस मैं गवर्नमेंट से इतने कहना चाहूँगा कि ये बीजे में गेम प्ले के ऊपर बहुत सारा फैमिली चलता है, बिलोंग करता है उसके ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए ताकि गेम प्ले बंद ना हो। और भाई इमोशंस एक ऐसी चीज़ है ना जो इस गेम प्ले के साथ हम लोग जुड़ गए हैं, जैसे मतलब इसको क्या बोले, और मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि बहुत सारे फैमिली है कि इसके ऊपर ही चलता है। नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था वो लोग, अभी तो फिलहाल बीजेपी से मगे फैमिली चला रहा था। तो इसके बाद क्या होगा, तो मैं अपने सारे यूट्यूबर दोस्तों से पूछता है कि सच में बीजेपी क्या इंडिया से बैन हो चुका है। तो उन्होंने कहा अभी तक फाइनली कुछ रिजल्ट नहीं आया बैन होगा कि नहीं। तो बस ऐसे ही अगर कोई जानकारी आता है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब के दौरान मैं आप सबको बता देगा कि क्या रिजल्ट हुआ, कि बैन हुआ कि नहीं हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।